नमस्कार जनप्रभात सुप्रभात में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पूर्वी राज्यों में खतरनाक हुआ चक्रवाती तूफान मिदली। मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। आज शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। होगी विशेष पूजा। चार धाम यात्रा का हो जाएगा समापन। हमास और इसराइल के बीच संघर्ष से गाजा में मानवीय संकट गहराया। भुखमरी का खतरा। इसराइल ने नियमित ईंधन आपूर्ति को दी मंजूरी। अरब देशों के साथ मिलकर गाजा में प्रशासन चला सकता है इसराइल। संयुक्त राष्ट्र में इसराइली राजनयिक गिलाड एर्दान ने दिए संकेत। निर्माणाधीन सुरंग में फंसे 40 मजदूरों को निकालने का काम जारी। जौली ग्रांट पहुंचे इंदौर से एयरलिफ्ट कर मंगवाए गए मशीन के पार्ट्स। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ 76% से ज्यादा हुआ मतदान। भोपाल में 66% तो इंदौर में 73% लोगों ने डाले वोट। नक्सली हमले के बीच छत्तीसगढ़ में लगभग 71% मतदान। दूसरे चरण में ईवीएम में कैद हुई 958 प्रत्याशियों की किस्मत। चैट जीपीटी के संस्थापक सैम आल्टमैन को सीईओ पद से हटाया। ओपन एआई के प्रेसिडेंट ब्राक मैन ने विरोध में दिया इस्तीफा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने झोंकी ताकत। पीएम मोदी, योगी और नड्डा समेत बड़े नेताओं की जनसभाज। शाह आज तेलंगाना के लिए भाजपा का जारी करेंगे घोषणा पत्र। गढ़वाल, नलगोंडा और वारंगल में रैलियों को करेंगे संबोधित। संघ प्रमुख भागवत ने नागपुर में हृदय अस्पताल का किया उद्घाटन। का समाज कल्याण के लिए दान मांगने में मुझे कोई शर्म नहीं। बिहार की नई आरक्षण नीति को राज्यपाल ने दी मंजूरी। राज्य में 75% हुआ रिजर्वेशन का दायरा। चंद्रमा के अंधेरे हिस्से पर विशाल लैंडर उतारने की तैयारी में इसरो निदेशक नीलेश देसाई बोले चंद्रयान 4 मिशन की बनाई योजना। दीपावली छठ त्योहार पर वेटिंग में रह गए 80,000 यात्री। हर कैंसिल टिकट पर ₹60 कमाई। रेलवे ने भरी जेब। आरबीआई की सख्ती से व्यक्तिगत ऋण 0.50% होगा महंगा। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर। महाराष्ट्र में फिर गरमाया मराठा बनाम ओबीसी आरक्षण का मुद्दा। सरकार के खिलाफ छगन भुजबल ने निकाली एल्गार रैली। धूम्रपान के बिना भी फूल लाए दिल्ली वासियों के फेफड़े का दम। एम्स के विशेषज्ञ बोले बढ़ते मामलों के लिए प्रदूषण जिम्मेदार। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संगमित्रा को कोर्ट ने किया तलब। बिना तलाक धोखाधड़ी कर दूसरी शादी करने का आया आरोप। झांसी में 1,00,000 के इनामी राशिद उर्फ गेंडा का एनकाउंटर। यूपी एसटीएफ ने कुख्यात बदमाश को मुठभेड़ में किया ढेर। शक्तिशाली भूकंप से काफी दक्षिणी फिलीपींस की धरती। 6.7 माफी की तीव्रता। शॉपिंग मॉल की छत ढही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर तोड़ी मर्यादा। पीएम मोदी और सीएम केसीआर पर की विवादित टिप्पणी। भारत पे के सह संस्थापक असनीर ग्रोवर की बढ़ती जा रही है मुश्किलें। ईओडब्ल्यू ने पत्नी सहित किया तलब। 81 करोड़ की धोखाधड़ी का है आरोप। निर्माण कार्य पूरा हुए बिना ही उद्धव के बेटे ने किया पुल का उद्घाटन। आदित्य के साथ सुनील शिंदे और सचिन अहिर पर मामला दर्ज। होशियारपुर में अरविंद केजरीवाल और मान की विकास क्रांति रैली आज। जल चिकित्सा समेत 900 करोड़ की कई परियोजनाओं की होगी शुरुआत। पंजाब में शुक्रवार को टूटा 2 साल का पराली जलाने का रिकॉर्ड। प्रदेश में प्रतिबंध के बाद भी 1150 नए मामले किए गए दर्ज। झारखंड के गिरिडीह में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार। 5 की गई जान। शादी समारोह से लौट रहे थे लोग। झारखंड के चाईबासा में आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ जवान शहीद। माओवादी रोधी अभियान में शामिल 2 अन्य जवान भी घायल। छत्तीसगढ़ में मतदान के बाद ही दिखने लगी सीएम पद को लेकर तनातनी। कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव के परिवार ने बताया बाबा को सबसे काबिल। छत्तीसगढ़ में आईईडी धमाके से आईटीबीपी जवान की गई जान। गरियाबंद इलाके में नक्सलियों ने पोलिंग पार्टी को बनाया निशाना। मायावती ने राजस्थान के धौलपुर में चुनावी सभा को क्या संबोधित बोली पूंजीपतियों के लिए काम करती है कांग्रेस और भाजपा। हरियाणा के अवैध शराब फैक्ट्री मामले की जांच में हुआ खुलासा। 600 लीटर इथेनॉल से बनी थी जहरीली शराब। पीने से गई थी कई की जान। हरियाणा में गेहूं के साथ पापुलर की फसल लगाने पर मिलेगी प्रोत्साहन राशि। फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बनाया प्लान। अगले 1 साल तक कोर्ट में पेश नहीं होगा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी पेशी। सुरक्षा कारणों से केंद्र ने लिया फैसला। जम्मू कश्मीर के डोडा के बाद अब राजौरी में खाई में गिरा वाहन। दुर्घटना में 2 लोगों की गई जान। 6 घायल अस्पताल में भर्ती। राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। 1 दहशतगर्द ढेर। 1 दिन पहले सर्च ऑपरेशन में कुलगाम में मारे गए थे 5 आतंकवादी। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने अटका में बैठने का घटाया शुल्क। अब 5100 में 4 लोग हो पाएंगे आरती में शामिल। हिमाचल में 2050 पाठशालाएं बनेगी मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। बेहतर कार्य करने वाले 5 स्कूलों के अध्यापक और स्टाफ होंगे सम्मानित। यूपी एटीएस का खुलासा। टेलीग्राम ऐप पर चल रहा था सामू संगठन। एएमयू वार्डन के छात्रों से सीरिया से ऑनलाइन जुड़ते थे आईएस।
पर मसाई जा रही है अवैध कॉलोनियां ढाई। कानूनी जानकारों ने दी जांच परख कर प्लाट खरीदने की सलाह। देश में पहली बार 2024 से हो सकती है एक साल की मास्टर डिग्री। यूजीसी अध्यक्ष बोले राज्यों और विश्वविद्यालय को भेजेंगे मसौदा। आगरा के पास 10,500 हेक्टेयर में नया शहर बसाएगा यमुना प्राधिकरण। औद्योगिक इकाइयों के साथ ट्रांसपोर्ट हब पर दिया जाएगा विशेष जोर। ग्रेटर नोएडा में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से फेल, लगे कूड़े के अंबार। सेक्टरों के RWA ने खुद संभाला सफाई व्यवस्था का जिम्मा। अमरोहा में मामूली कहासुनी पर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट। कार से बाइक टकराने पर हुआ था दोनों पक्षों के बीच विवाद। संबल में डकैती की योजना बनाते चार बदमाश गिरफ्तार। पुलिस की सक्रियता से डकैती की बड़ी योजना हुई विफल। वनडे ट्रॉफी के साथ आसमान में नाम लिखकर होगी विजेता की ताजपोशी। 1200 ड्रोन के जरिए फेंकी जाने वाली रोशनी के जरिए होगा संभव। पहली पारी के बाद पूर्व विश्व चैंपियन कप्तानों को किया जाएगा सम्मानित। हवाई शो, लेजर शो के अलावा संगीतकार प्रीतम दा का होगा संगीत शो। विश्व कप फाइनल मुकाबले के लिए रेलवे ने कसी कमर। मुंबई के CST से अहमदाबाद के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। वनडे विश्व कप 2023 में इस बार ब्रॉडकास्टरों पर हुई धन की वर्षा। डिज्नी हॉटस्टार को 2500 करोड़ का मुनाफा। ICC ने अरबों कमाए। विश्व कप में मोहम्मद शमी के शौर्य का सम्मान करेगी यूपी सरकार। उनके गांव अमरोहा में बनेगा मिनी स्टेडियम और ओपन जिम। टीम इंडिया की प्रैक्टिस जर्सी के रंग पर भड़की ममता बनर्जी। कहा हर चीज का भगवाकरण कर रही है मोदी सरकार। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।